पर अपना खुद का कंटेंट बनाते हो बट यार तुम्हारे शॉर्ट्स वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आ रहा है। तो अभी के टाइम पे पॉडकास्ट शॉर्ट्स इसका काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में एंड इसे बनाने में काफी कम मेहनत है एंड गेस व्हाट गाइस, इस काम के बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। ये देखो गाइस, ये जो भी चैनल्स है ये यही काम को कर रहे हैं एंड इनके तुम व्यूज देख सकते हो 48 मिलियन 43 मिलियन 22 मिलियन 103 मिलियन। तो तुम आइडिया लगा सकते हो इनके इनकम लेवल का। गाइस तुम्हें एक सबसे खतरनाक चीज दिखाता हूं मैं। तुम ये वाले पेज के यहां पे फॉलोवर्स देख सकते हो, ओनली 1400 फॉलोवर्स है एंड इन्होंने अभी तक यहां पे 19 रील्स ही डाले, ज्यादा पोस्ट भी नहीं किया है। बट यार तुम ये वाले डील के व्यूज पर एक बार नजर मारो, 1.4 मिलियन व्यूज, मतलब 14 लाख व्यूज आ चुके हैं इतने छोटे पेज पे। गाइस मैं अभी तुमको लाइव दिखाता हूं, एक दिन पहले का स्क्रीनशॉट है एंड करंटली इस पेज पे 1600 फॉलोवर हो चुके हैं एंड ये वाला रील देख सकते हो गाइस, इसमें 1.8 मिलियन व्यूज आ चुका है, मतलब 18 लाख व्यूज आ चुके हैं एंड जो किंग वाला रील है वो भी यहां पे 1 लाख पार कर चुका है। मतलब देख रहे हो छोटे वाले पेज पे भी कितना ज्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी ठीक से 2000 फॉलोवर भी नहीं है इस पेज का, तब भी व्यूज देख सकते हो। अब देखो यार तुमने इस टॉपिक से रिलेटेड YouTube पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे बट यार वो सारे वीडियो में काफी कुछ मिसिंग है। मैं तुमको बिल्कुल ए टू जेड यहां पे डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियो के बाद, तुम्हें कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्पेशली एक्जैक्टली तुम्हें अर्निंग होगा कैसे ये किसी ने बताया एंड कॉपीराइट का क्या सीन है, वायरल इंटरव्यूज कैसे लाने हैं एंड यार ऑटो कैप्शन वाली वेबसाइट भी काम नहीं करते हैं, तुम्हें अपने शॉर्ट्स को वायरल कैसे करना है, तुम्हें दिन में कितना अपलोड करना है। बस यार तुम वीडियो को एंड तक वॉच करते जाओ, तुम्हारे लिए मैंने काफी सारी चीजें रखा इस वीडियो में। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो पॉज करके तुम सारी चीजें देख सकते हो एंड यार वीडियो के सेकंड पार्ट में ये सारी चीजें होने वाली है। अब देखो ऐसे पॉडकास्ट शॉर्ट्स बनाने के लिए स्टेप वन जो होता है वो होता है इंटरव्यूज क्लिप जो होते हैं वायरल वाले उनको फाइंड करना। बट ऐसे पॉडकास्ट क्लिप को तुम कहां से लाओगे? तो देखो यार जब तक तुम्हारा हैदराबाद है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए यार खुद मेहनत कर लेता हूं एंड तुम्हें वो सारी चीजें लाके दे देता हूं। तो देखो मैं तुम्हें देने वाला हूं एक वीडियो एंड इस वीडियो पे देख सकते हो यहां पे 10 चैनल लोगे तो तुम वो वाले चैनल पे पहुंच जाओगे एंड ये 10 इंडिया के टॉप चैनल है जो कि पॉडकास्ट बनाते हैं एंड यहां से तुमको अनलिमिटेड वीडियो क्लिप्स मिल जाएगा। बस यार तुम्हें सबके चैनल पे जाके इंटरव्यूज को खुद से देख के जो तुम्हें लगता है कि हां ये वाला पार्ट को मैं यहां पे शॉर्ट्स में बना सकता हूं, तो वैसे वाले क्लिप्स को तुम्हें सेलेक्ट करना है एंड जब तुम YouTube पे कोई वीडियो प्ले करते हो तो कुछ इस टाइप का वहां पे ग्राफ आता है एंड ये ग्राफ जहां पे सबसे ज्यादा ऊपर है, मतलब वहां पे ऑडियंस ने उसको जब बार-बार रीवॉच किया है, तो तुम वही वाले सेगमेंट को कट करके यार यहां पे शॉर्ट्स बना सकते हो। बट ऑफ कोर्स ये फुली तरह से कारीगर नहीं है, तुम्हें यार एक बार खुद से इंटरव्यू को देख के यहां पे समझ लेना कि कौन सा थोड़ा यहां पे फनी बात है या तो कुछ कंट्रोवर्शियल बात है, किसी के बारे में कुछ उन्होंने बोला है, कोई क्रेजी फैन मोमेंट के बारे में स्टोरी है या तो फिर कोई इनकम बता रहा है अपना, इट कैन बी एनीथिंग यार, तुम देखोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। देन सेकंड स्टेप में गाइस तुम्हें वीडियो को ग्रेड में सेव करना होता है एंड थर्ड स्टेप में करना होता है एडिटिंग एंड इसके लिए जाना होगा हमें अपने स्क्रीन पर। देखो गाइस स्टेप 3 में हमारे यहां पे एडिटिंग होने वाला है और एडिटिंग के अंदर ये सारी चीजें यहां पे होने वाली है, ठीक है। बट उससे पहले तुमको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। ये देखो ये वाला जो चैनल है इसका भी लिंक है वो वाला वीडियो में, ठीक है, और इसमें जो छोटा छोटा क्लिप है तो तुम इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इसमें तुम्हारा ज्यादा एमबी नहीं लगेगा एंड अगर तुम्हारा एमबी का इशू है डाउनलोड करने में तो तुम उस पार्ट का जो यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तुमको जो वाला भी पार्ट चाहिए उसका जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको जो शॉर्ट बना सकते हो, ठीक है। तो देखो सारे वीडियो में से मैंने जो यहां पे एक वीडियो यहां पे सेलेक्ट लिया शॉर्ट बनाने के लिए, देखो ये वाला वीडियो मैं तुमको दिखाता हूं। ये देखो ये वाला वीडियो यहां पे 6 मिनट 14 सेकंड का तुमको दिख रहा होगा वीडियो, ये वाला वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया है एंड इसको जो मैं तुमको यहां पे शॉर्ट बना के दिखाऊंगा, ये वाला वीडियो से पॉडकास्ट शॉर्ट बना के दिखाऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ठीक है। तो तुम सारे चीज को बिल्कुल जो यहां पे अच्छे से समझना, ठीक है। यहां पे देखो यहां पे रोनाल्डो के बारे में बात हो रहा है, 4 मिनट में मैंने ये वाला वीडियो देखा है, ठीक है। तो यहां पे 4 मिनट में यहां पे रोनाल्डो के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 मिनट से मुझे कट लगाना पड़ेगा, पड़ेगा। उससे पहले सबसे पहले तुमको ये वाला जो वीडियो है इसको ग्रेड में लाना पड़ेगा, तो मैं तुमको दिखा देता हूं। ये देखो मैंने इसको जो पे ऑलरेडी सेव कर रखा है, तुम पीडीएफ से देख सकते हो, वो वाला वीडियो तुमको किस तरह से जो ग्रेड में ये वाला वीडियो लाना है, ठीक है। अब गाइस हमारा पे नेक्स्ट काम आता है एडिटिंग का, ठीक है। तो एडिटिंग के लिए तुम देख सकते हो मेरे पास यहां पे पावर डायरेक्टर भी है, इनशॉट भी है, काइनमास्टर भी है, वीएन भी है, ठीक है। तुम कोई वाला भी ऐप का यूज कर सकते हो, कैपकट भी था वो मेरा दूसरा फोन में, क्योंकि उसमें तुम्हारा जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको वीपीएन लगा के यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए यहां पे यूज करने वाले वीएन वीडियो, ठीक है। तुम कोई वाला भी यूज करते हो, ज्यादा कोई काम नहीं कट लगाना है और कैप्शन कैसे करना है, क्रेडिट देना, ठीक है। ये सब चीजें वो सब मैं तुमको बता दूंगा, वो तुम कोई भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से तुमको वीएन को कुछ चीज ओपन कर लेना है, यहां पे प्लस साइन जो आ रहा है क्लिक करना है, देन उसके बाद यहां पे तुमको न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है यहां पे क्लिक करना है, यहां तुमको सारा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो जब हम लोगों ने यहां पे सेव किया था इसको हम यहां पे एडिटिंग में लाना है, ठीक है। तो यहां पे सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो कुछ स्टेप्स हमारे यहां पे इंटरफेस आ जाएगा, काफी इजी है, मैं तुमको सारा चीजें जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको काम क्या करना है, यहां पे जो ऑरिजिनल लिखा हुआ है यहां पे तुमको क्लिक करना है, यहां से तुमको रेशियो लेना है, ठीक है। तुमको बहुत सारा रेशियो मिलेगा, देख सकते हो यहां पे। तो हमको जो ये वाला रेशियो लेना है 9:16 वाला, ठीक है। ये जो पॉडकास्ट के लिए जो है मतलब शॉर्ट्स बनाओगे उसके लिए ये वाला तुमको जो यहां पे रेशियो लेना पड़ेगा, जो टिकटॉक वाला रेशियो है, तो तुमको 9:16 पे क्लिक करना है, ठीक है। अब तुम्हारा वीडियो का कुछ स्टेप्स आ चुका है, ठीक है। अब तुमको सबसे पहले काम क्या करना है, कट लगाना है। कट कहां पे लगाना है, तुमने ये वाला वीडियो देख रखा है ऑलरेडी, आई गेस तुम जब वीडियो बनाओगे तो तुमको एक बार पहले करके देखोगे। तो देखो यहां पे 4 मिनट में हमको कट लगाना है, क्योंकि 4 मिनट में रोनाल्डो के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पे जो है तुमको ड्यूरेशन दिखाएगा कि ये वाला वीडियो अभी कितना पे, ठीक है। 3 मिनट 42 सेकंड में ये वाला, इसको थोड़ा पीछे करता हूं तो 3 मिनट पे आ चुका है, ठीक है। ये देख सकते हो यहां पे टोटल दिखा रहा है ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन है 6 मिनट का, ठीक है। तो हमें 4 मिनट पे कट लगाना है, 4 मिनट 26 सेकंड। तो देखो फाइनली मैंने यहां पे जो वाला पोजीशन को लेकर आ चुका है, ठीक है। तो यहां पे जो रोनाल्डो के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, 4 मिनट 26 सेकंड में। तो यहां पे तुमको एक स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे स्प्लिट पे क्लिक कर देना है और हमारे यहां पे जो कट लग चुका है, ठीक है। उसके बाद तुमको यहां पे जो पहले वाला पार्ट है, ठीक है, यहां से हमको वीडियो लेना है, ठीक है, 4 मिनट 4 मिनट 26 सेकंड से। तो ये वाला जो क्लिप है तुमको यहां पे डिलीट कर देना है, यहां पे क्लिक करोगे, जैसे तुमने थोड़ा यहां पे स्लाइडर को उधर मूव किया तो ये वाला ऑटोमेटिकली अभी सेलेक्ट हो चुका, ठीक है। उसके बाद तुमको यहां पे डिलीट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारा डिलीट हो चुका है, मैं तुमको दिखाता हूं थोड़ा यहां पे थोड़ा आवाज सुना देता हूं, देख लो। तो देख सकते हो यहाँ पे रोनाल्डो के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुमको यहाँ पे अभी 0 सेकंड दिख रहा होगा, ठीक है। तुम्हें एक शॉट बनाना है, तो तुमको जो विदिन 60 सेकंड तुम्हारे वीडियो को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 60 सेकंड तुम्हारे क्लिप होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हमें यहाँ पे हम जो अभी बनाने वाले हैं ये वाले वीडियो को 47 सेकंड तक, मैंने इसको अच्छे तरह से सुन लिया एंड 47 मतलब जो 47 सेकंड है वहाँ पे तुम्हारा जो रोनाल्डो का बात खत्म हो जाता है, ठीक है। वहाँ से हमें वीडियो में एक बार फिर से कट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करना है, देखो ये वाला जो क्लिप आ रहा है यहाँ पे तुमको उसको डिलीट कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये डिलीट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे टैप करोगे एक बार, ठीक है, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से तुमको डिलीट कर देना ये वाला क्लिप को, एंड ये वाला तुमको लास्ट में जो ब्लैक स्क्रीन दिखता है वीएन में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाला को यहाँ पे डिलीट कर देना, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आ चुका है 47 सेकंड का, तो हमारे यहाँ पे कट हो चुका है। अब हमें फेस सेट करना पड़ेगा, कैप्चर लगाना, क्रेडिट देना है, फिर अपना जो ब्रांडिंग भी करना है, ठीक है। ये सारी चीज मैं तुमको वन बाय वन बताता हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुमको यहां पे फेस सेट करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको क्या करना है, अपना दोनों फिंगर से इसको कुछ स्टेप से जूम कर लेना, ठीक है। अब देखो फेस सेट में तुमको क्या करना होता है, ये देखो यहां पे स्काउट का फेस आ रहा है तुमको दिख रहा होगा, एंड जैसे तुम थोड़ा आगे करोगे तो यहां से तुम्हारा देख सकते हो रणबीर भाई का जो फेस है शुरू हो चुका, ठीक है। तो फेस में तुमको कट लगाना पड़ेगा, ये देखो यहां से इनका फेस शुरू हो रहा है, तो तुमको यहां पे स्प्लिट कर देना है, एंड जहां तक इनका फेस रहेगा, ठीक है, मैं तुमको कुछ स्टेप आगे मूव करके देखना है। अब देखो यहां तक इनका फेस आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे फिर से स्प्लिट करना, ठीक है। अब ये वाला पार्ट में जो रणबीर भाई का फेस है, ठीक है, तुमको एक बार इसको ये वाला जो क्लिप दिख रहा होगा यहां पे टैप करना है कुछ स्टेप से, देखो यहां पे छोटा है इसलिए यहां पे टैप नहीं करना है, बिल्कुल यहां पे तुमको टैप करना, ठीक है। ये वाला प्लस पे टैप नहीं करना, ठीक है। ये देखो कुछ स्टेप से टैप करना पड़ेगा, टैप करने के बाद जिसको तुमको यहां पे सेंटर में लगाना है कुछ स्टेप से, देखो अब हमारा फेस जो यहां पे सेंटर में, तो पहला वाला क्लिप के साथ तुमको ऐसे ही करना है, थोड़ा और जूम कर लेते गाइस, काम करने में का मतलब दिक्कत हो रहा है, इसलिए। तो ये देखो अब यहां पे स्क्वाड वाले का फेस है, ठीक है, इसको भी यहां पे तुमको टैप करना पड़ेगा एंड इसको भी सेंटर में लगाना है कुछ स्टेप से, देखो कुछ स्टेप हमारा सेंटर हो चुका है, तो मतलब थोड़ा और आगे करके देखते हैं गाइस एंड यहां से देखते हैं कुछ स्टेप। तो यहां पे देख सकते हो स्क्वाड वाले का फेस है, जहां तक मतलब फेस रहेगा स्क्वाड वाले का, तो वहां तक हमें उसको जो करना पड़ेगा, ये देखो थोड़ा आगे मूव करके देखते हैं गाइस, काफी ज्यादा इनका है, ठीक है। तो यहां पे सारा जो स्क्वाड वाले का फेस है, ठीक है, तो हमें इजीली क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पे एक बार टैप करना पड़ेगा एंड इसको यहां पे जो सेंटर में लगा देना है, ठीक है। कुछ स्टेप से देखो ये सारा जो यहां पे सेंटर में आ चुका है, थोड़ा सा कुछ स्टेप हम इसको कर देंगे ताकि माइक ये जो है ये वाला माइक भी आ जाए, ठीक है। तो कुछ स्टेप से अब हमारे यहां पे सारा सेट हो चुका है, ठीक है। देखो फेस जो बिल्कुल यहां पे कट नहीं रहा है, फेस जो सेंटर में, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कट रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा कुछ स्टेप से आगे जाना है, स्प्लिट करना है, ठीक है, थोड़ा आगे करना है कुछ
स्टेप से फिर इसको यहां पे सेलेक्ट करना है, फिर इनका फेस जो यहां पे सेंटर में कर देना है। कुछ स्टेप से सेंटर में फेस कर देना है, ठीक है। तो आप देखोगे हमारा कुछ भी फेस जो यहां पे नहीं कटेगा, देखो ठीक है। कुछ स्टेप से कोई भी फेस जो नहीं कट रहा है, काफी अच्छे तरह से हमारा यहां पे फेस सेट हो चुका है, ठीक है। तो देखो गाइस हमारे वीडियो में यहां पे कट भी लग चुका है, हमने यहां पे जो फेस भी सेट कर दिया, ठीक है। अब देखो तुमको यहां पे नेक्स्ट काम क्या करना है कि तुमको यहां पे जो यहां पे ब्लैक शैडो का जो बैकग्राउंड लगाना है पीएनजी वाला, ठीक है। उसका लिंक जो मैंने पीडीएफ में दे दिया, तुम यहां पे देख सकते हो। यहां पे तुम जैसे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहां से तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी वाला शैडो पीएनजी लगाने से तुम्हारा कैप्शन यहां पे काफी ज्यादा हाईलाइट होने वाला है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो ब्लैक शैडो है इसको तुमको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो गैलरी का साइन आ रहा है यहां पे तुमको प्लस का दिख रहा होगा, ठीक है। तो गैलरी का साइन पे तुमको क्लिक करना है, देखो यहां पे तुमको वीडियो फोटो यहां से तुम दोनों ले सकते हो, ठीक है। तुमको यहां पे क्लिक करना है, तुमको फोटो पे जाना है, ठीक है, क्योंकि तुमने फोटो डाउनलोड किया। और ये वाला देखो फोटो आ चुका है, ठीक है। इसको कुछ स्टेप से क्लिक कर लेना है, देख सकते हो हमारे यहां पे फोटो आ चुका है, ठीक है। तो इसको कुछ स्टेप से जूम कर लेना है, जूम करके इसको तुमको जो है नीचे के साइड पे लगाना है, ठीक है, एंडिंग साइड में यहां पे जहां पे हमारा कैप्शन होने वाला है, ठीक है। तो देखो कुछ स्टेप से तुमको जूम कर लेना है, जूम करके इसको यहां पे जो नीचे के साइड में लगाना है। देखो अब देखो इतना भी ऊपर नहीं करना है, यहां पे जो पूरा आधा यहां पे जो मतलब शैडो आ रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे कर लेना है कुछ स्टेप से, इतना, ठीक है। देखो थोड़ा नीचे कर देना है, बस जस्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर जब यहां पे कैप्शन आएगा तो वो काफी ज्यादा यहां पे हाईलाइट होने वाला है, जिससे तुम्हारे वीडियो में काफी अच्छा जो यहां पे लुक आएगा। अब तुम देख सकते हो गाइस इसका यहां पे ड्यूरेशन यहीं तक यहां पे काफी ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको तुमको फुल वीडियो में करना पड़ेगा, तो इसको एक बार यहां पे कुछ स्टेप से टैप करना है ये वाला इमेज को, देन उसके बाद यहां पे तुमको एंडिंग में एक एरो दिख रहा है, फिर यहां पे क्लिक करना है एक बार। जैसे तुम क्लिक करोगे तो यहां पे दो आएगा, ठीक है। तो यहां पे तुमको वीडियो एंड जो आ रहा है यहां पे तुमको क्लिक कर देना। तो देख सकते हो जब हमारे यहां पे जो पूरा वीडियो में ये वाला इमेज लग चुका है, ठीक है। ये देखो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब अगर मैं इसको एक बार तुमको डिलीट करके दिखा दो, ये देखो पूरा खाली खाली लग रहा है। इसमें मतलब जो भी कैप्शन आएगा तो काफी ज्यादा मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। देखो शैडो वाला ये रहेगा पीएनजी, वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो तुम इसको जरूर से लगा लेना। ब्लैक शैडो लगाने के बाद तुम्हें यहां पे लगाना पड़ता है कैप्शन, जो कि तुमने देखा होगा कुछ इस टाइप का कैप्शन रहता है, बट ये अभी के टाइम पे ये ऑटोमेटिकली लग जाता है, तुम्हें खुद से मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैंने पीडीएफ में तीन वेबसाइट इंक्लूड किया है, वहां से तुम्हारा ऑटोमेटिकली कैप्शन लग जाता है। लास्ट वाला एक मोबाइल पे वहां पे भी ऑटो कैप्शन लगता है, बट इसमें जो थर्ड नंबर वाला है वो वाला वेबसाइट सबसे अच्छा काम करता है। तो अभी स्क्रीन पे मैं तुमको ये वाला वेबसाइट का यूज करके ऑटो कैप्शन जनरेट करना सिखाता हूं। ये वाला वेबसाइट लगता है गाइस क्लिप चैंप नाम है इसका, तुम इसको जो डायरेक्टली क्रोम पे सर्च कर सकते हो कुछ स्टेप से क्लिप चैंप, ठीक है। ये वाला जो पहला वाला आ रहा है, ठीक है, क्लिप चैंप, इसको सर्च करके तुमको यहां पे जो इसको ओपन कर लेना पड़ेगा, ठीक है। बट इसको तुम यहां से यहां पे क्रोम पे ही ओपन करना, एंड तुमको इसको यहां पे डेस्कटॉप मोड करना पड़ेगा। डेस्कटॉप मोड करने के लिए यहां पे क्लिक करना है, यहां पे क्लिक करने के बाद तुमको आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डेस्कटॉप मोड, ठीक है। डेस्कटॉप मोड पे तुमको क्लिक कर देना, ठीक है, कुछ स्टेप से। अब देखो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, तुमको यहां पे साइन इन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो साइन इन पे तुमने जैसे क्लिक किया तो तुमको कोई वाला भी जो आपने यहां पे जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करके इसको जो यहां पे लॉगिन कर लेना है। तो देख सकते हो कुछ स्टेप का इंटरफेस आएगा, तो कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है, एंड यहां पे सारा जीमेल आईडी आ चुका है, तो तुमको जो कोई वाला भी जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अपने चैनल वाला जीमेल आईडी सेलेक्ट मत करना, सब काम के लिए कुछ जो है अलग से जीमेल बनाना, ठीक है। यहां पे कुछ स्टेप से अलाउ कर देना है। तो देख सकते हो हमारे यहां पे फाइनली जो यहां पे मतलब लॉगिन हो चुका है, साइन इन हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए पूछ रहा है कि तुम क्या हो, तो तुम्हें यहां पे जो कंटेंट सेलेक्ट कर देना, ठीक है। इसमें तुम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा इसमें कुछ जमेला नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ स्टेप इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको इसको यहां पे जूम करना पड़ेगा, एंड यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू वीडियो, यहां पे क्लिक करना, ठीक है। कुछ स्टेप तुमको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, क्लिक हो चुका है, देखो हो चुका है। अभी वाला यहां पे लॉगिन हो रहा है, ठीक है, इसको यहां पे कट कर देना कुछ स्टेप से। अब देखो यहां पे तुमको एक ऑप्शन मिल रहा है इंपोर्ट मीडिया का, ठीक है, यहां पे ये वाला, यहां पे तुमको क्लिक करना है, एंड यहां पे क्लिक करने के बाद तुमको यहां पे अलाउ कर देना इसको। अलाउ करने के बाद तुमको वो वाला वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसका तुमको जो कैप्शन चाहिए, ठीक है, जो कि हमने अभी यहां पे सेव किया था एडिटर में। तो इसमें तुमको मीडिया पे क्लिक करना है, एंड तुम्हारा जो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो ये वाला वीडियो हमारे यहां पे, इसको हमें यहां पे कैप्शन लगाना है, तो इसको हम कुछ स्टेप से सेलेक्ट करेंगे। और ये देख सकते हो यहां पे प्रिपेयरिंग हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो हमारे यहां पे वीडियो आ चुका है, ठीक है, उसको तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कुछ स्टेप से। उसके बाद तुमको यहां पे प्लस का आइकन दिख रहा है, ठीक है, ये देखो यहां पे प्लस का आइकन दिख रहा है, तुम्हें प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देख सकते हो हमारा वीडियो यहां पे टाइमलाइन पे आ चुका है। ये वाला एक्चुअली मेरे तुम्हारे पास अगर जो लैपटॉप है तो उसमें अच्छा से चलता है, ठीक है। मेरे पास मैं तुमको दिखा देता, बट मैंने सोचा अगर ये फोन में दिखाना है तो सबको मैं यहां पे जो फिर फोन में दिखा दूं, ठीक है, कुछ स्टेप आएगा। देखो थोड़ा इसको तुमको छोटा करना पड़ेगा, यहां पे तुमको ऑप्शन मिलेगा कैप्शन का, थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो तो कैप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा कुछ स्टेप से, एंड इसको कुछ स्टेप से छोटा कर देना, ओके पे क्लिक कर देना। एंड ये देखो गाइस यहां पे ये वाला जो ऑप्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, टर्न ऑन ऑटो कैप्शन, यहां पे तुमको क्लिक करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहां पे क्लिक करना है टर्न ऑन ऑटो कैप्शन, उसके बाद यहां पे तुमको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज तुमको सेलेक्ट करना है इंडिया वाला, ठीक है, लिखना आई एन डी आई, कुछ स्टेप से इंडिया लिखना पड़ेगा। तो ये देखो यहां पे इंडिया का आ चुका है, यहां पे इंग्लिश, ठीक है, इंडिया इंग्लिश ये वाला तुमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद तुमको ट्रांसक्राइब मीडिया दिख रहा होगा, यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमारे यहां पे कैप्शन जो है जनरेट होना शुरू हो चुका है, ठीक है, यहां पे देख सकते हो जनरेटिंग कैप्शन, एंड यहां पे गोल गोल घूम रहा है, 7 मिनट लेफ्ट, ठीक है। तो इसको पूरा होने देते हैं गाइस, फिर मैं तुमको दिखाता हूं कि किस स्टेप से हमारा कैप्शन आया है। तो देख सकते हो गाइस हमारे पास यहां पे सारा कैप्शन जो है वो लिखा हुआ आ गया है, कुछ स्टेप से देख सकते हो, मतलब लाइन बाय लाइन सारा चीज यहां पे जो लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है, कुछ स्टेप पे टेक्स्ट वगैरह, ठीक है, सब कुछ यहां पे आ चुका है, ठीक है। ये देखो थोड़ा मैं इसको यहां पे प्ले करके दिखाता हूं कम आवाज करके। तो देख सकते हो यहां पे सारा जो है कैप्शन ऑटोमेटिकली आ चुका है, मतलब ये जो सारा कैप्शन है इसमें कभी कभार जो यहां पे थोड़ा गलत भी आ जाता है, ठीक है, मतलब जो नहीं बोल रहा है, मतलब यहां पे जो स्पेलिंग गलत हो जाता है, ठीक है। तो तुम उसको चाहो तो यहां पे जो अपने तरह से सही कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं तुमको दिखा देता हूं, मान लो ये वाला तुमको कुछ ठीक करना, ठीक है। देखो रोनाल्डो शिखर, देखो स्काई शिखर, अगर तुमको ये वाला यहां पे गलत लग रहा है, ठीक है, तो इसको यहां पे तुम कट करके कुछ स्टेप से जो है अपने हिसाब से वर्ड को ठीक भी कर सकते हो, ठीक है। कैप्शन में तुम थोड़ा ये वाला ध्यान देना, क्योंकि इसमें एक एआई है ऑब्वियसली, तो हिंदी समझ में थोड़ा लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत सारा वर्ड जो यहां पे गलत लिख देता है, बहुत कम होता है, मतलब मैक्सिमम ठीक हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो यहां पे सारा कैप्शन आ चुका है, ठीक है, अब तुमको इसको अगर यहां पे कस्टमाइज करना है, इसका कलर वगैरह चेंज करना है, तो तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो ये वाला जो कैप्शन आ रहा है यहां पे तुमको कुछ स्टेप से टैप करना पड़ेगा। एंड ये देखो इधर जो इसका यहां पे सारा मेनू खुल जाएगा, ठीक है, कुछ स्टेप से तुमको यहां पे जो तुम बैकग्राउंड कलर वगैरह सारी चीज ले सकते हो, फोन वगैरह भी ले सकते हो, अगर तुमको यहां पे दूसरा फोन लेना है तो। लाइक मैं ये वाला फोन लेता हूं, ठीक है, बेबस वाला, बेबस न्यू, मैंने ये वाला फोन ले लिया, ठीक है। उसके बाद गाइस तुमको यहां पे अगर ये अपना बैकग्राउंड जो है उसका कलर चेंज करना है, तो तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर पे तुमको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड उसके बाद तुमको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड देखो यहां पे सारा जो कलर आ चुका है बैकग्राउंड का। लाइक मुझे अगर ये वाला कलर चाहिए, ठीक है, ब्लू वाला, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा कुछ स्टेप से, एंड देख सकते हो कुछ स्टेप से आ चुका है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। एंड अगर मुझे ये वाला कलर अलग चाहिए, मतलब जो वाला कैप्शन आ रहा है ये व्हाइट में आ रहा है, ठीक है, तो इसका भी तुम यहां पे कलर चेंज कर सकते हो, यहां पे देख सकते हो व्हाइट आ रहा है, तो यहां पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड यहां पे देख सकते हो सारा कलर आ चुका है, ठीक है। मैं ये वाली येलो वाला लेता हूं, ठीक है, येलो वाला यहां पे अच्छा लगेगा, कुछ स्टेप से देख सकते हो यहां पे येलो वाला आ चुका है, ठीक है। येलो के पीछे तुमको जो मतलब ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, उसको मैं ब्लैक ले लेता हूं अभी। ये देखो यहां पे मतलब ब्लैक कलर भी यहां पे, तो ब्लैक कुछ स्टेप से सेलेक्ट कर लेना है तुमको। तो देख सकते हो हमारे यहां पे जो सेलेक्ट हो चुका है, फाइनली तुमको इसको यहां पे सेव कर लेना पड़ेगा, ठीक है। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जूम करना है कुछ स्टेप से, यहां पे भी तुमको एक्सपोर्ट का ही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो तुम इसको जो कहां तक सेव कर सकते हो, जो 1080p है वहां तक तुम इसको जो सेव कर सकते हो इजीली, ठीक है। 4K के लिए तुमको पैसा देने की जरूरत है, तो 4K में डाउनलोड करके भी कोई फायदा नहीं, 1080p में ही मतलब काफी अच्छा क्वालिटी है, ठीक है। तो 1080p पे क्लिक करना पड़ेगा कुछ स्टेप से। तो देख सकते हो हमारे वीडियो यहां पे जो सेव होना शुरू हो चुका है, इसके बाद गाइस तुमको और एक काम करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा वो भी मैं तुमको बता देता हूं फटाफट। देख सकते हो गाइस फाइनली हमारे वीडियो यहां पे सेव हो चुका है, ठीक है, कुछ स्टेप से कैप्शन के साथ। एंड गाइस ये वाला वेबसाइट कभी कभार काम नहीं करता है, तो तुम अपने अकाउंट को लॉग आउट करके वापस से लॉगिन कर लेना, फिर ये काम करने लगता है।
तो देखो जब हमें यहाँ पे जो फाइनल काम करना है अपना यहाँ पे क्रेडिट देना है वीडियो में जिसका जो हमने क्लिप यूज किया उसको, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे खुद का ब्रांडिंग करना है ताकि वीडियो वायरल हो, तो हमारे चैनल का नाम भी मतलब यहाँ पे रोशन हो, ठीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वापस से वीएम में जाना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, एंड जो वाला हमने यहाँ पे सेव किया है क्रोम से, ठीक है, कैप्शन लगाने के बाद ऑटो कैप्शन लगाने के बाद उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे जो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है कुछ स्टेप्स। देखो यहाँ पे जो कैप्शन आ चुका है ऑटो कैप्शन, गाइस कुछ देर पहले हमने यहाँ पे ब्लैक शैडो पीएनजी लगाया था वीडियो में, बट अभी तुमको वीडियो में नहीं दिख रहा है, वो पीएनजी गाइस वीडियो में लग चुका है, वीडियो लास्ट में तुमको वो वाला पीएनजी दिखा दूंगा। एक्चुअली मैंने वो वाला पार्ट को बाद में शूट किया इसलिए वो तुमको नहीं दिख रहा है, बट तुम टेंशन मत लो गाइस, तुम्हारे साथ ये वाला प्रॉब्लम नहीं होने वाला, मैंने वीडियो में जो भी स्टेप बताया जिसको तुम फॉलो करो, एंड फाइनल वीडियो तुम्हारा और मेरा बिल्कुल यहाँ पे सेम होने वाला है। देखो क्रेडिट देने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता करना कि तुमने ये वाला वीडियो लिया कहां से, ठीक है, तो ये वाला वीडियो हमने ये वाला चैनल लिया, तुमको मैं दिखा देता हूं, टीआरएस क्लिप हिंदी, ठीक है, तुमको इसका यहाँ पे जो नेम लिख देना है क्रेडिट बोल के, ठीक है। देखो कैसे क्रेडिट देना है, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट पे, ठीक है, कुछ स्टेप यहाँ पे तुमको प्रेस करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड हेडलाइन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ चुका, ठीक है, उसके बाद सारा कैपिटल कर देना है, यहाँ पे लिखना क्रेडिट, क्रेडिट लिखने, क्रेडिट लिखने के बाद तुमको यहाँ पे स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद तुमको ये वाला जो साइन का यूज करना है, ठीक है, सिंबल जो है वाला फॉलन वाला ये वाला सिंबल लगा देना है, जो उनका चैनल का नेम लिख देना है, ठीक है, सारा तुमको कैपिटल पर लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ टीआरएस हिंदी, यहाँ पे जो क्रेडिट टीआरएस हिंदी, ठीक है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे टिक पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड इसको छोटा कर देना है कुछ स्टेप, ये देखो छोटा करके यहाँ पे लगा देना, इसको भी और भी हम लोग ठीक करते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, कलर आ रहा है, कलर पे क्लिक करना है, एंड कलर पे क्लिक करने के बाद जिसका यहाँ पे तुमको कलर लेना है, यहाँ पे तुम्हें पहले जाना है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको जो यहाँ पे ग्रीन कलर लेना है इसका, ठीक है, देखो कोई भी कलर ले सकते हो, ग्रीन वाला है, उसके बाद तुमको यहाँ पे जो ये वाला जो सर्कल है इसको बिल्कुल यहाँ पे कोना में लेकर देना पड़ेगा ताकि डार्क हो, ठीक है, देख सकते हो हमारे यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, एंड उसके बाद तुमको यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टिक पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे टिक पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है, देखो क्रेडिट टीआरएस हिंदी वाला लिखा हुआ है, उसके बाद देख सकते हो हमारे यहाँ पे ये वाला जो यहीं तक है, ठीक है, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टैप करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको जो एंडिंग आ रहा है, यहाँ पे तुमको टैप करना है, यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिला वीडियो एंड, यहाँ पे तुमको क्लिक करना है, ठीक है, देख सकते हो हमारे जो यहाँ पे सारा वीडियो में लग चुका है, तो देखो इसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये वाला टेक्स्ट आ रहा है इसको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कलर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसको तुमको यहाँ पे जो बॉर्डर लगा देना पड़ेगा, ठीक है, बॉर्डर पर क्लिक करना है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर लेना, ब्लैक कलर लेके इसको यहाँ पे फुल कर देना, ठीक है, उसके शैडो पे क्लिक करना है, शैडो पे भी ब्लैक कलर लेके जो यहाँ पे इसको यहाँ पे कुछ स्टेप से फुल कर देना है, देन टिक पे क्लिक कर देना, ठीक है, अब हमारा शैडो वगैरह सारा लग चुका है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट हमने जो उनको दे दिया, अब हमें यहाँ पे ब्रांडिंग करना, ठीक है, ब्रांडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे तुमको टैप करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करना, ठीक है, अब हमारे यहाँ पे दो चुका, ठीक है, मैं तुमको एक निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे तुमको लग रहा है कि जब इसको तुम यहाँ पे कुछ स्टेप से मूव करो तो यहाँ पे दो चीज देखो, तो अब हमारे यहाँ पे आ चुका है, देन तुमको क्या करना पड़ेगा, एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा, ये सारा यहाँ पे कट कर देना है, तुमको जो यहाँ पे अपने चैनल का नेम देना है कुछ स्टेप, एग्जांपल के लिए गाइस मैंने यहाँ पे दे दिया हैदर पीडीएस, पीडीएस मैंने पॉडकास्ट शॉर्ट्स, तो कुछ स्टेप से देना है, बट इसका कलर तुमको यहाँ पे जो अलग लेना, ठीक है, कलर पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, एंड गाइस इस बार जो यहाँ पे मैं येलो कलर लेने वाला हूँ, ठीक है, देन तुमको यहाँ पे जो टिक आ रहा है, यहाँ पे वाला टिक पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये वाला टिक पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, ये कुछ आ रहा है तो इसको यहाँ पे कैंसिल करना है, ठीक है, देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको यहाँ पे जो अपने चैनल का जो नेम है उसको यहाँ पे बड़ा करके क्रेडिट वाला जो इसको यहाँ पे कुछ स्टेप से छोटा कर देना है, छोटा करके इसके यहाँ पे जो जस्ट नीचे लगा देना, ठीक है, देखो तुम देख सकते हो हमारा जो कैप्शन है वहाँ पर हमने जो यहाँ पे अपना ब्रांडिंग किया वो काफी ऊपर है, ठीक है, इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मैं तुमको दिखा देता हूँ फटाफट से, इसको यहाँ पे अलग कर लेना है, इसको यहाँ पे पे बिल्कुल थोड़ा छोटा करना है, छोटा करके इसको बिल्कुल यहाँ पे छोटा देना नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो तुम्हारे चैनल का नेम है यहाँ पे ब्रांडिंग है, ठीक है, कुछ स्टेप से इसको छोटा करना पड़ेगा, छोटा करके तुम इसको यहाँ पे जो कहीं पे भी दे सकते हो वीडियो में, ठीक है, जरूरी नहीं यहीं पे देना, ठीक है, कुछ स्टेप से मैं इसको छोटा करके जो कॉर्नर में लगा देता हूँ, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ठीक है, एंड ये वाला जो यहाँ पे इसको सेंटर में कर लेना है, तो हमारे सेंटर में हो जाएगा, ठीक है, अब इसको तुमको फाइनल एक्सपोर्ट देना है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से तुमको यहाँ पे क्लिक करना है, देखो अब ये वाला वीडियो डायरेक्टली जो अपलोड करना है यूट्यूब पे, तो तुम देख सकते हो हमारे फाइनल वीडियो रेडी हो चुका है, इसमें सबसे पहले हमने वीडियो को यहाँ पे कट किया, उसके बाद फेस को सेट किया, उसके बाद ब्लैक शैडो लगाया, फिर हमने कैप्शन लगाया, फिर क्रेडिट दिया, फिर हमने यहाँ पे ब्रांडिंग भी किया, एंड कुछ स्टेप से हमारे यहाँ पे दमदार सा पॉडकास्ट शॉर्ट्स रेडी है, अब ये वाला शॉर्ट्स को तुम्हें अपलोड करना है, तो देखो इसको तुम्हें दो जगह अपलोड करना है, तुम्हें यूट्यूब पे भी अपलोड करना है, एंड इसी के साथ साथ तुम्हें इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करना है, दोनों जगह पे गाइस तुमको बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाना है, एंड वहाँ पे ये पॉडकास्ट वाले वीडियो को अपलोड करना है, एंड देखो ये वाले वीडियो में जब तुम अपलोड करोगे तो तुमको टाइटल क्या देना है, तो वीडियो में जो भी बात हो रहा है उसको नॉर्मली तुमको टाइटल में देना है, लाइक ये वाले शॉर्ट्स के लिए मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा स्काउट टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके बाद जिसका भी तुमने क्लिप किया उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे टीआरएस क्लिप हिंदी ये वाले चैनल को मेंशन कर देता हूँ, इसी के साथ साथ तुमको डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड क्वेरी लगाना है, उससे रिलेटेड तुमको जो भी कीवर्ड मिलता है इंपॉर्टेंट उसको यहाँ पे लगा देना है, जिस बंदे का वहाँ पे पॉडकास्ट है उससे रिलेटेड तुमको हैशटैग भी लगाना है, इससे तुम्हारा पॉडकास्ट सर्च में आएगा एंड उसमें तुम्हारा व्यूज आएगा, एंड देखो इस कॉपीराइट से बचने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुमने जो वीडियो में ऑलरेडी उसको क्रेडिट दे दिया एंड टाइटल में भी ऑलरेडी क्रेडिट दे दिया, बस डिस्क्रिप्शन में तुमको ये वाला डिस्क्लेमर लगा देना है, एंड ये वाला डिस्क्लेमर भी तुमको यहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएगा, अब देखो इसमें पर डे जो एक वीडियो डालना है या ज्यादा से ज्यादा दो डालना है, मतलब तुमको एक डालना है तो एक ही डालना हमेशा, दो डालना है तो हमेशा मतलब तुमको दो ही अपलोड करना पड़ेगा, तो तुम अपने टाइम के हिसाब से इसको देख लेना, एंड तुमको लगातार तीन महीने तक वीडियो अपलोड करना है, तीन महीने में तुम्हारे यहाँ पे काफी अच्छा खासा जो ग्रोथ हो जाएगा, एंड तीन महीने तक ट्राई करना है तुमको यहाँ पे डेली अपलोड करने का, अगर तुम डेली एक वीडियो अपलोड करोगे तो तुम्हारा 90 वीडियो हो जाएगा टोटल, एंड डेली दो वीडियो अपलोड करोगे तो 180 वीडियो हो जाएगा, इतने सारे वीडियो में तुम्हारा कोई वाला वीडियो जरूर से जरूर वायरल होगा, एंड बस वो एक वीडियो से तुम्हारा पूरा चैनल चल जाएगा, चैनल बोलोगे या इंस्टाग्राम को तुम्हारा जो भी पेज है वो बोलो, अब तुम्हें एक्जेक्टली अर्निंग कैसे होगा मैं तुम्हें बताऊं, तो देखो ये वाले जो वीडियो होते हैं रियूज कंटेंट में आता है, इसमें तुम्हारा शायद ही चैनल मोनेटाइज होगा, तो देखो यूट्यूब पे तुम्हारा स्पॉन्सर्स अर्निंग होगा, इसमें तुम्हारा लोगो प्रमोशन आ गया, तुमने ऐसा वाला लोगो वाला प्रमोशन देखा होगा बहुत सारे रील्स में या बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स में, इसके तुम्हें पैसे मिलते हैं एंड काफी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तुम्हें आराम से ये वाला सिर्फ लोगो लगाने का